हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के बारे में। आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आखिर बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती कब आएगी, तो अब आपका इंतजार खत्म हो गया क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का पूरा प्रोसेस कि आपकी भर्ती कब आएगी और कब से आपके आवेदन फॉर्म जो है चालू हो जाएंगे, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है ना, और कितना एज होना चाहिए, ये सभी कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब इसी तरह की ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ देखें, पुलिस मुख्यालय को एक सप्ताह में रोस्टर क्लियर करके गृह विभाग को भेजने का आदेश दिया गया है, जिससे बहाली प्रक्रिया तेज़ी से शुरू की जा सके। डायल 112 परियोजना के पहले चरण में 7,808 और दूसरे चरण में 19,288 सिपाही समेत 48,447 सिपाहियों की बहाली के लिए रोस्टर तैयार करने को कहा गया है और ये सभी काम 31 मार्च यानी हफ्ते भर में ये हो जाएगा। तो बहाली प्रक्रिया बहुत तेज़ी से अब होगा, है ना, और आपको पता है चेयरमैन भी चेंज हो गए हैं, है ना, तो भर्ती को तेज़ी करना है, ठीक है ना, और ये होगा और ये आज ही का न्यूज़पेपर है और ये लगभग सभी न्यूज़पेपर में ये बातें इतनी कही जा रही है क्योंकि बहुत पेंडिंग में था ये सभी काम और पहले होना चाहिए था, है ना। होली जैसे ख़त्म हुआ और सारा काम चालू हो गया है, तो हफ्ते भर में ये ऑफिशियल नोटिस पे आपको मिल जाएगा। ये डायल 112 की भर्ती है जो कि नई भर्ती है। एज कितना रहने वाला है इसका, तो 18 से 25 रहने वाला है। और क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, तो क्वालिफिकेशन इसका जो 10th और 12th पास है वो इसके आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी विषय से पास हो, 12th किसी भी विषय से किए हो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फर्स्ट हो सेकंड हो थर्ड हो कोई सा भी डिवीज़न हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका आवेदन आप कर सकते हैं अगर आप 12th पास हैं, है ना। तो ये क्वालिफिकेशन रहा और इसका भर्ती का अपडेट हफ्ते भर में पता चल जाएगा। और जो मध्य निषेध का जो पेंडिंग में था रिटर्न एग्ज़ाम कराना था CSBC का, तो ये 7 मई को रविवार के दिन होगा। तो ये अभी तक का अपडेट है और ऑफिशियल अपडेट जल्दी हम आपको अपने चैनल पे अपलोड करेंगे, है ना। हफ्ते भर में जो भी डिटेल आएगी, जो भी ऑफिशियल नोटिस आएगी, सबसे पहले हम आपको बताएंगे। अगर आप इसी तरह की जानकारी लेना चाहते हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ।